नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल इन्फो अकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में आप एक भर्ती के नए नोटिफिकेशन के बारे में जानेंगे। यह भर्ती का नया नोटिफिकेशन हेडक्वार्टर कोस्ट गार्ड रीजन नॉर्थ ईस्ट रीजन के द्वारा जारी किया गया है। नॉर्थ ईस्ट रीजन में यह कोलकाता के द्वारा जारी किया गया है। और यह जो ऑफिशियल जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ है उसमें 30 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर का जो ऑफिशियल एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ है उसमें यह है नोटिफिकेशन जो है भर्ती का एक नया नोटिफिकेशन ये पब्लिश हो चुका है। इस एडवर्टाइजमेंट में कौन कौन से पद निकले हैं और क्या क्या योग्यता रहेगी वह सारी जानकारी आप इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें ताकि आपको हर छोटी मोटी भर्ती की नई नई अपडेट्स आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो आप वीडियो को लाइक व शेयर भी ज़रूर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहें। चलिए आगे देखते हैं कौन कौन से पद विज्ञापित हुए हैं। सबसे पहला पद जो है सिविलियन एमटी ड्राइवर। सिविलियन जो एमटी ड्राइवर है ऑर्डनरी ग्रेड में है, 1900 ग्रेड पे में लेवल 2 की वैकेंसी है। और कुल वैकेंसीज जो हैं जनरल श्रेणी के लिए 5 हैं, ओबीसी श्रेणी के लिए 1 वैकेंसी है और एससी श्रेणी के लिए 2 वैकेंसी है। और ये जो अलग अलग स्टेशन पर जब भर्ती हो जाएंगे तो उसके बाद आपको पोस्टिंग किया जाएगा। कोलकाता, भुवनेश्वर और प्रायद्वीप में आपको पोस्टेड किया जाएगा। ड्राइवर के लिए जो ज़रूरी योग्यता है वह 10वीं कक्षा किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से आपने पास कर रखी होनी चाहिए और आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस हैवी और लाइट दोनों का होना चाहिए और कम से कम 2 वर्ष का आपका अनुभव भी होना चाहिए। और 18 से 27 वर्ष के बीच के जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर पाएंगे। और इन सभी पदों के लिए किसी भी राज्य के जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर पाएंगे। आगे देख लेते हैं पॉइंट नंबर बी पर, फोकलिफ्ट ऑपरेटर का 1 वैकेंसी है और ये भुवनेश्वर के लिए 1 वैकेंसी है। 18 से 27 वर्ष के बीच के जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर पाएंगे। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें, सर्टिफिकेट है रिस्पेक्टिव ट्रेड्स में, यानी कि लिफ्ट ऑपरेटर में आपकी आईटीआई आपने पास कर रखी होनी चाहिए तभी आप लिफ्ट ऑपरेटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और डिज़ायरेबल जो क्वालिफिकेशन है वो 10वीं कक्षा किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से अपने पास कर रखी होनी चाहिए। इसके बाद है फीटर एमटी मैकेनिक, जनरल श्रेणी के लिए 1 वैकेंसी है, एससी के लिए 1 वैकेंसी है, जनरल श्रेणी के लिए भी 1 वैकेंसी है। एमटेक जो है एमटी मैकेनिकल की जो कोलकाता के लिए ये वैकेंसी है, और कोलकाता की जो ये वैकेंसी है एमटी मैकेनिक की, इसके लिए जो ज़रूरी योग्यता है वो मैट्रिकुलेशन है। मैट्रिकुलेशन के अलावा 2 वर्ष का अनुभव ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में या आईटीआई डिप्लोमा इन रेलवेंट ट्रेड में आपका होना चाहिए। और 18 से 27 वर्ष के बीच के जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर पाएंगे। आगे फायरमैन की वैकेंसी है, फायरमैन की 3 वैकेंसी है जिसमें जनरल श्रेणी के लिए 3 है और 1 वैकेंसी ओबीसी के लिए है जो कोलकाता के लिए हैं। और 18 से 27 वर्ष के बीच के जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर पाएंगे। ज़रूरी योग्यता की बात करें, मैट्रिकुलेशन किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से और फिजिकली फिट होना चाहिए, कैपेबल परफॉर्मिंग सेंसियस ड्यूटीज़। और इसके अलावा जो फायरमैन के लिए हाइट है वो आपकी 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए और चेस्ट 81.5 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुलाकर 85 सेंटीमीटर आपकी होनी चाहिए तभी आप फायरमैन के पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे है इंजन ड्राइवर, इंजन ड्राइवर की 1 वैकेंसी है, हल्दिया के लिए वैकेंसी है। जब आप सिलेक्शन हो जाएगा तो हल्दिया में आपको पोस्टिंग इनिशियली पोस्टेड किया जाएगा। और 18 से 30 वर्ष के बीच के जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर पाएंगे इंजन ड्राइवर के लिए। और ज़रूरी योग्यता है सर्टिफिकेट ऑफ कम्पिटेंसी एज इंजन ड्राइवर फ्रॉम रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से आपने पास कर रखे होने चाहिए और कम से कम आपके पास 2 वर्ष का डिज़ायरेबल अनुभव होना चाहिए। इसके बाद है एमटीएस चौकीदार का, एक पद है जो कि एससी श्रेणी के लिए आरक्षित रखी गई है और जब आप अपॉइंट हो जाएंगे तो आपको हल्दिया में पोस्टिंग दी जाएगी। 18 से 27 वर्ष के बीच के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। और एमटीएस चौकीदार के लिए ज़रूरी योग्यता की बात करें, मैट्रिकुलेशन किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से और 2 वर्ष का अनुभव एज चौकीदार किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट में होना चाहिए। इसके बाद है लश्कर, लश्कर की भी 1 वैकेंसी है जो कि ओबीसी के लिए आरक्षित की गई है और ये हल्दिया में पोस्टिंग दी जाएगी जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। 18 से 30 वर्ष के बीच के जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर पाएंगे लश्कर के लिए। मैट्रिकुलेशन इसकी ज़रूरी योग्यता है और 3 वर्ष का कम से कम आपके पास अनुभव होना चाहिए। और इन सभी पदों के लिए आपको ऑफलाइन एप्लीकेशन फ़ारम भरना होगा। ऑफलाइन एप्लीकेशन फ़ारम आपको जो कोस्ट गार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है indiancoastguard.gov.in इसके ऊपर जाकर आप फुल डिटेल एडवर्टाइजमेंट
टर्म एंड कंडीशंस एप्लीकेशन फार्म को डाउनलोड कर सकते हैं और उसी एप्लीकेशन फार्म को भरकर आपने ऑफलाइन जमा करवाना होगा। ऑफलाइन जमा करवाने के लिए आपको इस भर्ती के लिए 30 दिन मिले हैं और 30 दिन के मुताबिक जब ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में पब्लिश हुए उसके 30 दिन के भीतर भीतर आपको ऑफलाइन एप्लीकेशन आपकी सबमिट करनी पड़ेगी। यानी इस भर्ती की जो अंतिम तारीख है वो 28 नवंबर 2021 है। 28 नवंबर 2021 से पहले पहले आपको यह इस भर्ती के लिए अपने आवेदन जमा करवाने होंगे और आवेदन आपको जो फुल एडवर्टाइजमेंट है उसमें आपको आवेदन का जो प्रारूप है जो एप्लीकेशन का फॉर्म है वो आपको मिल जाएगा। आज की वीडियो में बस इतनी इन्फॉर्मेशन। मिलते रहे, आप चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें ताकि आपको हर छोटी बॉडी जो छोटी बड़ी भर्ती का अपडेट आपको सबसे पहले मिलता रहे। धन्यवाद।